डॉक्टर रितु सिंह पिछले 200 दिनों से अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं, पर शायद ही आपने इस खबर को किसी न्यूज चैनल पर देखा या पढ़ा होगा। डॉक्टर रितु ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में पीएचडी की हुई है और एज एन एडॉक प्रोफेसर दौलत राम कॉलेज में पढ़ा रही थी, जहां से उन्हें एक कास्टिस्ट प्रिंसिपल की तरफ से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ा और आखिर वहां से निकाल दी गई। अपने साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर स्ट्राइक शुरू की, पर प्रोटेस्ट करने से रोकने के लिए उनके प्रोटेस्ट साइट को तोड़ दिया गया। इसके बाद अब वो पीएचडी पकौड़े वाली के नाम से एक स्टॉल चला रही हैं और पकौड़े बेचकर अपने प्रोटेस्ट को जारी रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, इनके मेन्यू को देखिए, ये ही इनके प्रोटेस्ट करने का अनोखा अंदाज है, जिससे वो लोगों को अपने प्रोटेस्ट के बारे में समझाती हैं। क्रिमिनल डॉक्टर सविता रॉय दी दौलतराम कॉलेज की, उन्होंने मेरे खिलाफ फर्जी दस्तावेज लगाए, इस्तेमाल किए और वो अभी तक कार्यरत कुर्सी पे हैं। उन पे चार्जशीट जमा हो चुकी है दिल्ली पुलिस द्वारा। और बताएं कि मैं 194 डेज से कंटिन्यूस प्रोटेस्ट कर रही हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय पे, तो कभी डंडे हैं, कभी डिटेन है, कभी लाठियां हैं, कभी पर्चे हैं, 10 से ज्यादा FIR है। और अब चलो वो FIR तो फिर भी ठीक है, ये FIR यार रोजगार कमा के खाने पे, यही तो मोदी जी बोलते हैं पकौड़े बेचो खाओ। सो इफ आई एम अर्निंग माई ब्रेड यू हैव ए प्रॉब्लम विद दिस, तो आप ये चाहते हो कि जुमला पकौड़े, सो दिस इज जुमला पकौड़ा, जैसे हमें इतने सालों से हाथ में दिया है ना सब कुछ, 2 करोड़ रोजगार दे दिए है ना, फिर उसके बाद काला धन वापस आ गया, फिर बेरोजगारी खत्म होगी, 15 लाख मेरे अकाउंट में आ गए, वो ऐसे आए। सो दिस इज द बेस्ट सेलर, मेरे यहाँ का बेस्ट सेलर है ये जुमला पकौड़ा, सो यू कैन हैव। डॉक्टर रितु का कहना है कि अपने खिलाफ हो रहे इनजस्टिस को लेकर कोर्ट भी गई, जहां उन्होंने जो आरोप प्रिंसिपल के खिलाफ लगाए हैं वो सही पाए गए और केस अभी भी चल रहा है, जिसमें एडवोकेट महमूद प्राचा उनके साथ है। अब कई सवाल मन में आते हैं कि एडॉक प्रोफेसर थी तो निकालने पर प्रोटेस्ट क्यों, और कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत। इसके जवाब में वो कहती हैं, 10 अगस्त 2020 में मैं जब ज्वाइनिंग लेने के लिए गई तो उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग डिनाई कर दी, और सबकी सबको ज्वाइनिंग दी और सिर्फ हमारी ही ज्वाइनिंग डिनाई करी, और ये सारी चीज़ें जानबूझ के चलाकी से करी, और उनके पीछे एक पूरी माइंडसेट था उनका ये सारा काम करने का, तैयारी थी, क्योंकि मैं अम्बेडकर की बात करती हूँ, मैं दलित आदिवासियों के हक के लिए लड़ती हूँ, तो उनको ये टारगेट मुझे बनाना था, तब मुझे पता चला और उन्होंने ये कांड करना मेरे साथ शुरू किया। तो टेन्योर तो एडहॉक में फिर तो 4,500 टीचर का खत्म होता, उस कॉलेज के अंदर उस समय 117 टीचर थे, उन सबका टेन्योर खत्म होना चाहिए था, डॉक्टर रितु सिंह का टेन्योर ही खत्म क्यों हुआ। MHRD MHA की क्लियर कट गाइडलाइंस थी कि आप किसी एडहॉक को एडहॉक से रिप्लेस नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, अनलेस और अंटिल परमानेंट अपॉइंटमेंट्स हूँ वहाँ पे। फिर भी इन्होंने ये अपराध किया मेरे साथ, और अपराध करके कोर्ट में मामला गया, उसमें सेशंस कोर्ट का मामला आया, फिर हाई कोर्ट में मामला गया, तो वहाँ अभी क्या चल रहा है, फिर अभी शायद सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। हाई कोर्ट का तो मैटर छोड़ दो, वो सर्विस मैटर था, उसने वहाँ फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स यूज किए हाई कोर्ट के अंदर, उसी के ऊपर तो दूसरी FIR हुई ना इन पे क्रिमिनल केस की। कि आप कोर्ट को मिसलीड कर रही हैं, SC कमीशन ने झूठे दस्तावेज इस्तेमाल किए, SC कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वहां पे फोर्ज डॉक्यूमेंट लगाए, तभी तो क्रिमिनल केस बना। तो अभी क्रिमिनल केस जो है सेशन कोर्ट में है, जिसमें पुलिस ने इनको बचाने की पूरी कोशिश करी, पुलिस ने रजिस्ट्रार का नाम चार्जशीट में से निकाला, अभी दोबारा से इनके ऊपर जो चार्जशीट जमा हो गई है, रजिस्ट्रार को बचाने की कोशिश करी, और जितने भी IO थे मेरे, ये अपराधी पुराने कॉलेज में सविता रॉय पहले नॉर्मल टीचर एसोसिएट प्रोफेसर थी कालंदी कॉलेज में, टर्मिनेट हुई, वहाँ की प्रिंसिपल इकलौती पहली दलित महिला प्रिंसिपल बनी थी पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में, अनुला मौर्या जी, इन्होंने उनको खून के आंसू रुलाए, इन्होंने ऐसे ऐसे तंग करा उनको, और वहाँ पे जो इनके अंडर ही टीचर इंचार्ज थी फिजिक्स डिपार्टमेंट की वहाँ पे, जिसमें SC ST और OBC एक मुस्लिम महिला, उनके दस्तावेज उनके अटेंडेंस फोर्ज कर देती थी, तो तमाम चिट्ठियां उन्होंने इसके खिलाफ उस टाइम प्रिंसिपल को लिखी थी, उस प्रिंसिपल अनुला मौर्या जी को, और अनुला मौर्या जी ने जब इनके से बातचीत पूछी तो उन्होंने इतनी बदतमीजी, इतने जातिगत शब्द, उन्हें गंदगी बोलती थी, मेंटली हरेस करती थी, तो उस टाइम की प्रिंसिपल कालंदी कॉलेज की अनुला मौर्या जी ने इतनी मोटी मोटी चिट्ठियां उस टाइम पे 2012 में 2013 में
इनको लिखी थी, रजिस्ट्रार दिल्ली यूनिवर्सिटी को और MHRD को, कि ये इतनी बुरे व्यवहार की जातिगत कास्टिस्ट महिला है, मुझे मेंटली हरास कर रही है, सिर्फ ये दलित अगेंस्ट दलित मेंटालिटी है इनकी, SC ST OBC के, आप प्लीज़ यूनिवर्सिटी में रिक्वेस्ट करती रजिस्ट्रार को कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए, इनको हटाइए, आई वॉन्ट टू टर्मिनेट दिस टीचर, आप बाद में मत कहना कि मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। इतनी मोटी मोटी चिट्ठियाँ जब मेरे केस की इन्वेस्टिगेशन चली, जो मैंने इल्ज़ाम लगाए थे पहले भी ऐसे कर, वो सारी सर विद स्टैम्प आई उन इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पूरी पूरी चिट्ठियाँ MHRD से लेकर आए विद स्टैम्प, ओरिजिनल जो पेपर्स थे, और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार से, तो वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। इनका प्रोटेस्ट आसान नहीं है, वैसे कोई भी प्रोटेस्ट इंडिया में आसान नहीं है, एक लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद प्रोटेस्ट करने से कई तरह से रोका जाता है। डॉक्टर रितु को भी कई तरह से रोका जाता है, कई बार उन्हें वायलेंस का भी सामना करना पड़ा है। और जिस तरह से डॉक्टर रितु हर तरह की इंजस्टिस के खिलाफ बोलती हैं, उससे इन्हें इंसाफ मिलना जाहिर तौर पर मुश्किल है। वैसे बहुत कम मीडिया चैनल से इनके प्रोटेस्ट को कवर किया है, पर आपको लगता है कि इनकी लड़ाई सही है और अपने एजुकेशन सिस्टम को ऐसे कास्टिस्ट लोगों से दूर रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।